20/10/18 को रेलवे ट्रैक के किनारे एक डेड बॉडी मिलने की सूचना मिली थी। वो लगभग 21-22 साल का युवा था। जिस तरह से डेड बॉडी फेंकी गई थी रोड से ले जाकर ट्रैक पे, इससे स्पष्ट हो रहा था कि ये स्थानीय लोगों का काम है, क्योंकि वहाँ पे झाड़ झंखाड़ नहीं था, झाड़ झंखाड़ों के बीच में वो रास्ता था। तो वहाँ के रेलवे के स्टाफ से और आसपास रेलवे गुमटी के किनारे जो दुकानें हैं उनसे पूछताछ के बाद हम लोग उसका एक तय समय ये था कि रात में ही फेंकी गई है 11 से लेकर 4 के बीच में। इसके बाद पता रसी सुराग रसी की जाती रही और अथ वहाँ के स्थानीय पुलिस के अथक प्रयास से उसकी शिनाख्त हुई और विवेचना के क्रम में ये आया कि लड़की के भाई और उसके 2 चचेरे भाइयों ने मिलकर उसकी हत्या कर और मोटरसाइकिल पर बैठा कर रात में, ठीक है, उसके मृत शरीर को मोटरसाइकिल पर बैठा कर और ले जाकर रेलवे ट्रैक के किनारे फेंक दिया। इसमें 3 मुजरिम हैं। मोनू कमल पुत्र राधेश्याम, शिवम पुत्र विनोद और अभिषेक पुत्र श्रवण कुमार। जिस मोटरसाइकिल से ले गए हैं वो भी बरामद हो गया है। आला कतल जो एक बेल्ट है और एक डंडा। ये जो अभियुक्त है उसकी बहन से इसका संबंध था। अभी मतलब शादी हुई नहीं थी और संबंध था तो उसी के विरोध में अभियुक्त ने अपना जुर्म भी स्वीकार किया है और 3 लोग गिरफ्तार हैं। वो तीनों लोग थे।